हाय गाइस, तो आप देख रहे हैं लेट्स गो हेल्दी। आज मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी 600 कैलोरी डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, जिसकी हेल्प से हम रिड्यूस करेंगे 6 केजीज, वो भी 6 डेज में बहुत ही इजीली। रिसेंटली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ने इस प्लान को फॉलो किया एंड दे वर एबल टू सी अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग फॉर देमसेल्व्स एंड सो कैन यू। अगर आपको भी अपना वेट लॉस करना है अचीव एंड प्लस आपके पर्सनलाइज डाइट प्लान क्रिएट करवाने हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं additionsheena@gmail.com पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। तो आइए देखते हैं कि हम क्या ऑप्शंस चूज करेंगे हमारी मील्स के लिए फॉर 600 कैलोरी डाइट प्लान फॉर वेट लॉस, जिसकी हेल्प से हम लूज करेंगे 6 केजीज, वो भी 6 डेज में बहुत इजीली। स्टार्ट करते हैं हमारे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक्स, यानी कि सुबह उठ के खाली पेट जो ड्रिंक होता है हमने उसको क्या लेना है और क्या चूज करना है। आपका फर्स्ट ऑप्शन सुपर इजी सुपर क्विक ऑप्शन है, विच इज 2 glasses ऑफ ल्यूकॉम वाटर। करना क्या है आपको, सिंपली 2 glass भर कर गुनगुने पानी के आपको पीने हैं सुबह सबसे पहले उठ के खाली पेट। ये करता कि आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन काम करता है एंड प्लस आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बूस्ट देता है, जो हम पूरी रात से डिहाइड्रेट रहते हैं उसको रिप्लेनिश करता है। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप सिंपली कंज्यूम कर सकते हैं 1 glass ऑफ लेमन वाटर। आपको करना क्या है, इसमें 1 glass गुनगुने पानी में आपको एक लेमन को स्क्वीज कर लेना है और उसको आप सिप बाय सिप करके एम्प्टी स्टमक कंज्यूम कर सकते हैं। बेनिफिट्स बहुत ही ट्रेमेंडस रहते हैं। फर्स्ट, ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सेकेंड थिंग, ये विटामिन सी को बूस्ट करता है आपकी बॉडी में जाके। थर्ड, हमारे सेल्स को रिप्लेनिश करता है एंड प्लस स्किन बेनिफिट्स बहुत ही इजीली प्रोवाइड करता है। तो आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं आपके अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के लिए। चलते हैं हमारे ब्रेकफास्ट ऑप्शन की तरफ। अब ब्रेकफास्ट के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 options दूंगी। ये दोनों ही ऑप्शंस बहुत ही फिजिबली पॉसिबल है और बहुत ही इजीली भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमेशा जब भी हम किसी भी डाइट प्लान को फोकस करते हैं तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट यूजली या तो फ्रूट्स रहे या हाई इन प्रोटीन रहे। तो हम अगर फ्रूट्स का ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे फ्रूट स्मूदीज की रेसिपी मेंशन है। यहाँ मेरे पास वाटरमेलन स्मूदी की रेसिपी है, मैंगो पीच स्मूदी है एंड प्लस एप्पल पीनट बटर बनाना स्मूदी है, विच इज अगेन हाई इन प्रोटीन। तो हम ये सारी स्मूदीज में से कोई भी स्मूदी का ऑप्शन पिक कर सकते हैं और एवरी सिंगल डे उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में फ्रूट कंज्यूम करते हैं तो आपको पूरा दिन शुगर की क्रेविंग बिल्कुल भी नहीं रहती है एंड प्लस वेट लॉस बहुत ही इजिली पॉसिबल हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन उन सभी के लिए है जो फ्रूट्स मॉर्निंग में नहीं कंज्यूम कर सकते हैं और उनको कुछ भी वार्म चाहिए, तो आप ले सकते हैं या तो एग सैंडविच या फिर एक पनीर सैंडविच। अब मेरे चैनल पे यहाँ पे नो ब्रेड सैंडविचेस की रेसिपीज ऑलरेडी मेंशन है, जिनमें बिल्कुल भी हम किसी भी टाइप का कार्ब, जो हाई अमाउंट का रिफाइंड होता है, वो बिल्कुल भी नहीं ऐड कर रहे हैं। हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं बेसन के साथ। तो आप ये रेसिपी भी चूज कर सकते हैं आपके अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, बट मेक श्योर कीजिए कि आप इसका पोर्शन सिर्फ और सिर्फ हाफ अ सैंडविच ही ले रहे हैं और इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो आप या तो ले सकते हैं पनीर सैंडविच, जैसे कि हम यहाँ पे रेसिपी मैंने शो की है, नहीं तो आप इसमें पनीर को रिप्लेस करके एग भी डाल सकते हैं और आपका टेस्टी हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट रेडी है। चलते हैं हमारे मिड मॉर्निंग स्नैक की तरफ, जो आता है हमारे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का टाइम। अगर आपको इस टाइम पे भूख लगती है तो आप 2 options में से कोई भी ऑप्शन पिक कर सकते हैं और दोनों ही हमारे फैट लॉस के लिए बहुत ही सुपरली वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, आप ले सकते हैं 1 cup ऑफ ग्रीन टी या माचा टी। अब 1 cup माचा टी में 10 cups ऑफ ग्रीन टी जितने एंटी ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, देन वाई वुड वी हैव 1 cup ऑफ ग्रीन टी इंस्टेड ऑफ माचा टी। तो आप ले सकते हैं माचा टी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसको बहुत ही इजिली बाय कर सकते हैं एंड प्लस बहुत ही न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होते हैं इस टी के। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप ये नहीं ले सकते हैं तो आप सिंपली अजवाइन या जीरे का पानी ले सकते हैं। आप सिंपली इसको रात को सोक कर लीजिए और सुबह इसको आप बॉइल करके कंज्यूम कर लीजिए अपने मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए या फिर अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के लिए भी। ये बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट देता है वेट लॉस के लिए एंड प्लस बहुत ही इजिली आपका वेट लॉस इससे पॉसिबल हो जाता है, बिकॉज जितनी भी बॉडी में वाटर टेंशन, ब्लोटिंग, स्वेलिंग होती है, ये इसको बहुत ही जल्दी रिमूव करना शुरू कर देता है। तो आप ये सब बेनिफिट्स ले सकते हैं इस वाटर के साथ। चलते हैं हमारे लंच ऑप्शन की तरफ। अब लंच के लिए मैं आपको यहाँ पे 2 options दूंगी। अगेन बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी टू गो ऑप्शंस हैं, बट हम हमेशा मेक श्योर करते हैं कि लो इन कैलोरी ही रहे एंड प्लस बहुत ही अच्छा आपको न्यूट्रिशनल लेवल भी प्रोवाइड हो जाए इनके साथ और आपको बहुत देर तक भूख भी बिल्कुल ना लगे। तो यहाँ लंच के लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, आप ले सकते हैं पनीर भुर्जी। हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें फाइबर भी इंड्यूस करना है इस मील में, तो हम लेंगे पनीर भुर्जी। आप अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम पनीर भुर्जी यहाँ पे ले सकते हैं, जिसमें आप बहुत सारी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करके सिंपल पनीर भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम ले सकते हैं बहुत सारा सैलेड, जिसमें हम डाल सकते हैं लेटेस, कुकुम्बर, टोमेटो, अनियन, जो भी आपके पास रेडीली सीजनली अवेलेबल हो। आप इवन की लेटेस या कैबेज के लीव्स को एज अ रैप भी यूज कर सकते हैं पनीर भुर्जी के साथ। टेस्ट अमेजिंग और बहुत ही लो कार्ब एंड लो कैलोरी ऑप्शन है आपके मील्स के लिए। पनीर भुर्जी में बहुत ही अच्छा प्रोटीन प्रेजेंट होता है और बहुत ही क्विक रेसिपी भी है प्रिपेयर करने के लिए, जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर रखी है। और हमारा सेकेंड ऑप्शन है हमारे लंच के लिए, आप ले सकते हैं 1 मूंग दाल चीला।
चीला या फिर एक बेसन का चीला। अब रेसिपी दोनों ही चीलों की मेरे ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, ये बहुत ही लो कार्ब रेसिपीज होती है एंड प्लस इनमें बहुत ही अच्छा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो आप या तो मूंग दाल चीला ले सकते हैं अगर आपको प्रिपेयर करना इजी है एंड कैरी करना भी इजी है, नहीं तो मूंग दाल चीला की जगह बेसन चीला भी ले सकती हैं। सुपर इजी, सुपर यमी और बहुत ही टेस्टी ऑप्शंस बनते हैं हमारे लंच के लिए। आप इनको मिंट की चटनी से लीजिए, साथ ही साथ आप ले सकते हैं बहुत सारा सैलड जिसमें हम डालेंगे लेटिस, कुकुम्बर, टोमेटो, अनियन एंड इसमें हम किसी भी टाइप का सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे हमारे सैलड के ऊपर। आप चीला में डेफिनेटली सॉल्ट ऐड कर सकते हैं बट सैलड्स के ऊपर रॉ फॉर्म में हम कभी भी सॉल्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे। तो आप ये ऑप्शंस दे सकते हैं आपके लंच के लिए। चलते हैं हमारे मिड इवनिंग स्नैक की तरफ जो आता है हमारे लंच और डिनर के बीच का टाइम। अगर आपको इस टाइम के बीच में भूख लगती है तो आपको यहाँ पे मैं दो ऑप्शंस प्रेजेंट करूंगी, तो आप वो ले सकते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आप ले सकते हैं टी या कॉफी अगर आपको हैबिट है तो, नहीं तो आप सिंपली ग्रीन टी भी ले सकते हैं, माचा टी भी ले सकते हैं, पर हम टी या कॉफी में किसी भी टाइप का शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ लो कैलोरी ड्रिंक इतना ही लेंगे। सेकेंड ऑप्शन अगर आप ये नहीं कंज्यूम कर सकते हैं तो आप सिंपली 30 ग्राम्स ऑफ रोस्टेड मखानास दे सकते हैं। आप देसी घी में मखानास को रोस्ट कर सकते हैं बट हम किसी भी टाइप का इसमें शुगर बिल्कुल भी या सॉल्ट ऐड नहीं करेंगे। आप सिंपली इसको काली मिर्च के पाउडर के साथ रोस्ट कर सकते हैं और देसी घी में रोस्ट कर सकते हैं। चलते हैं हमारे डिनर ऑप्शन की तरफ। अब डिनर के लिए मैं आपको अगेन दो ऑप्शन दूंगी जो की लो इन कैलोरीज है, बहुत ही टेस्टी है एंड ये बहुत ही न्यूट्रिशियस भी है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा आप कंज्यूम कर सकते हैं सूप। अगर आपको सूप बहुत ही पसंद है तो आप डेफिनेटली इस डाइट प्लान में सूप ले सकते हैं अपने डिनर के लिए। मेरे चैनल पे बहुत सारी सूप्स की रेसिपी अपलोडेड है बट आई वुड डेफिनेटली प्रेफर कि अगर आप ये सूप की रेसिपी ट्राई कीजिए बिकॉज ये बहुत ही लो इन कैलोरी एंड कार्ब्स है एंड डेफिनेटली यमी है सूप्स ऑफ ऑल है। लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है और यहाँ मैं आपको कंप्लीट रेसिपी भी शो कर रही हूँ, तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। आपकी लेमन कोरिएंडर सूप की रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और बहुत ही लो इन कैलोरी भी है। सेकेंड ऑप्शन उन सभी के लिए है जो सूप्स प्रेफर नहीं करते हैं आपके डिनर के लिए, तो आप ले सकते हैं 200 ग्राम्स ऑफ एयर फ्राइड और रोस्टेड ब्रोकली एंड पाइनएप्पल। अब मैंने यहाँ पे एयर फ्राई करके इन रेसिपीज को शो किया हुआ है, बहुत ही टेस्टी बनती है एंड बहुत ही न्यूट्रिशियस। आपको बहुत देर तक भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है बिकॉज फाइबर का कॉन्टेंट बहुत ही अच्छा आता है इसमें। पाइनएप्पल इज नेचुरली अ फैट कटर, तो आप डेफिनेटली इसको अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कीजिए और आपको बहुत देर तक भूख भी बिल्कुल नहीं लगती है। ये एपेटाइट सप्रेसेंट की तरह भी वर्क करता है, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से डेफिनेटली एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं आपके डिनर के लिए। रेसिपीज ऑलरेडी चैनल में पेंशन है एंड चलते हैं हमारे बेड टाइम ड्रिंक की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रिंक है हमारे वेट लॉस के लिए, इस डार्क प्लान के लिए एंड प्लस आपको पूरी रात तक आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट रखने के लिए। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बेड टाइम ड्रिंक के लिए रहता है कैमोमाइल टी जो कि बहुत ही अच्छे आपको बेनिफिट्स देता है आपके वेट लॉस के लिए, आपके स्किन बेनिफिट्स के लिए, आपके इंसोम्निया के लिए एंड प्लस जिनको भी रात को नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है। मेरे सभी क्लाइंट्स ने बहुत ही अमेजिंग बेनिफिट्स देखे हैं इस टी के साथ, तो आप ट्राई कर सकते हैं 1 कप ऑफ फ्रेशली ब्रूड कैमोमाइल टी फॉर योर बेड टाइम ड्रिंक। सेकेंड ऑप्शन उन सभी के लिए है जो ये ड्रिंक नहीं ले सकते हैं, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं अगेन 1 कप ऑफ अजवाइन वाटर या जीरा वाटर या फिर आप सिनेमन वाटर भी ले सकते हैं, यानी कि दालचीनी का पानी। अब ये तीनों ही ड्रिंक्स पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, डायबिटीज के लिए बहुत ही अमेजिंगली वर्क करती हैं बिकॉज ये एक तरीके से एपेटाइट सप्रेसिंग की तरह भी वर्क करते हैं एंड प्लस आपके बॉडी में जितने भी वाटर रिटेंशन, स्वेलिंग, ब्लोटिंग कॉज करता है तो उसको भी किल करती हैं एंड मेजरली इंसुलिन सेंसिटिविटी, रेजिस्टेंस को भी बहुत ही इम्प्रोवाइज करती हैं। तो आप ये ऑप्शंस चूज कर सकते हैं आपके बेड टाइम ड्रिंक के लिए। इस डाइट प्लान के साथ प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आप कम से कम 2 से 3 लीटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी जरूर कंज्यूम कर रहे हैं आपके पूरे दिन में, ताकि आपका हाइड्रेशन ऑन पॉइंट रहे, प्लस आपके स्किन बेनिफिट्स को और भी कोलेजन बूस्टिंग प्रॉपर्टीज मिले एंड आपका हाइड्रेशन जो है वो पूरा कंप्लीट रहे पूरे दिन के लिए। अगर आप पानी इंटेक अच्छा रखते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर आपको मुझसे अपना पर्सनलाइज या कस्टमाइज डाइट प्लान क्रिएट करवाना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं addition.sheena@gmail.com पे या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे और हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन, कमेंट कीजिए, कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप की एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद। मेरे चैनल लेट्स गो हेल्दी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फॉर मोर अमेजिंग वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ माई क्लाइंट्स रिड्यूस वेट एवरी सिंगल डे एंड आई विल सी यू माय नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।